पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। अभिजीत मुखर्जी ने एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मैंने कांग्रेस के आलाकमान से बातचीत की है। आगे उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि आखिर क्यों उनका टीएमसी से मोह भंग हो गया है और कांग्रेस ज्वाइन करने में रुचि जाग गई है। उन्होंने टीएमसी की कार्यशैली पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। न्यूज इंडिया के सहयोगी कंचन कनोडिया ने अभिजीत मुखर्जी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है अभिजीत मुखर्जी ने, सुनिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए करते हैं उनसे बातचीत। बहुत बहुत वेलकम सर न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। सर पहले आप कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद टीएमसी में चले गए थे जी। अब आगे का क्या विचार है कांग्रेस में वापस आने का? एज ऑफ नाउ मैं न्यूट्रल सिटीजन हूँ। टीएमसी में मैं ज्वाइन किया था 2021 में 5 जुलाई। उसके बाद अपना क्षेत्र पे कुछ एक्टिविटीज हमारा था विद रिस्पेक्ट टू टीएमसी एंड ऑल, क्योंकि जो टीएमसी का आदमी अभी उधर है वो उससे पहले कांग्रेस का ही था, हमारा ही आदमी था। सब कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज उनका साथ था, सोशल एक्टिविटीज अभी भी है, लेकिन ओवरऑल मेरा इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में बिल्कुल नील है। इसका एक मेन कारण जो मेरा पर्सनली मेरा पर्सनल फीलिंग है, नथिंग टू डू विथ एनी पार्टी लाइन, बंगाल में सीपीएम बंगाल का आदमी रिजेक्ट किया, उनका साथ हाथ पकड़ के चलना, वो अपना कमजोरी को और भी बढ़ाना। एक वरिष्ठ नेता से बात हो रहा था थोड़ी देर पहले, वो कहा दादा हमारा पास आदमी नहीं है तो सीपीएम का पास आदमी है वो हमारा साथ, और तुम्हारा फायदा क्या हो रहा है? फायदा तो उनको हो रहा है, एक्सपोजर उनको मिल रहे हैं, उनका सपोर्टर्स देख रहे हैं, तो इधर उनका हमारा पार्टी में ज्वाइन कराओ और नहीं तो हमें नया बनाना है, यही तो काम है जो पार्टी वर्कर्स का। बंगाल में बहुत दिन ये सब हुआ नहीं, और जो भी बाद में हुआ वो टीएमसी में ज्वाइन किया, एंड जो भी कारण है पीछे पड़ गया। सर कांग्रेस से क्या नाराजगी थी कांग्रेस छोड़ के टीएमसी? नहीं, कांग्रेस में प्रैक्टिकली नहीं था, सीपीएम का साथ जाना मैं मेरा पर्सनल इससे भी मना, मैं मना भी किया था, जिसको बोलना था प्रभारी को मैंने बोला था, लेकिन फिर भी गया और मैं देखा बिल्कुल ज़ीरो हो गया। लेकिन हमने सोचा था खराब होगा रिजल्ट, लेकिन ज़ीरो होगा कभी सोचा ही नहीं था। जैसा अधीर रंजन चौधरी हर जगह, हम कभी सोचा ही नहीं था, हम क्या वो कोई भी सोचा नहीं था, तो ये भी अनहोनी हो गया। नॉट ओनली वी कांग्रेस, सीपीएम भी ज़ीरो हो गया, फिर सीपीएम का साथ जाना ये बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।